सो गाइज, आज अपनी ब्यूटी का काम होने जा रहा है सर्विस, और अपना भाई बिने करने वाला है। बिने हाई कर दे एक बार। कैसे, क्या प्रोसीजर है, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको। कौन सा इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। एज यू कैन सी, अगर सम्प गार्ड है तो आपको जो है पहले वो रिमूव करना पड़ेगा। देन जो है, क्योंकि ऑयल फिल्टर जो है आप जानते हो, इसको रिमूव करना थोड़ा टफ है। अगर टफ क्या नहीं होगा ओपन, अगर सम्प गार्ड लगा है तो लगा। सो ये है बोल्ट, इसको रिमूव करना पड़ेगा आपको। यस, ये जो है आपका बोल्ट है, ये 13 नंबर का है, तो ध्यान रखना कोई भी की फालतू की मत लगाना, यूज़ करना अच्छे रैचेट का यूज़ करना, जैसा कि विनय ने किया है। ये देख सकते हो ऑयल कीचड़ बन गया, कीचड़ बेसिकली। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आपकी गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी हार्ड हो जाए, तो इट मीन्स कि आपका इंजन ऑयल चेंज होने का टाइम आ गया है। बेसिक्स जो है, आपको एक नॉर्मल राइडर को ये पता होना चाहिए कि जब गियर शिफ्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि इंजन ऑयल आपका जो है फिनिश हो गया, ओवर हो गया उसका टाइम। गाइज, ये इसको जो है एंटी क्लॉक वाइज आपको घुमाना है बेसिकली, और ये स्पिन हो रहा है हमारा। लेट्स सी, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है ये। वेरी गुड। सो गाइस, एज यू कैन सी, हमारा खोलने में जो है ना, हमारे पास टूल प्रॉपर नहीं था, तो जिसके कारण जो है कंडीशन देख सकते हो एयर फिल्टर, सॉरी ऑयल फिल्टर की। ऐसा रिस्क ना कभी मत लेना, और ये चेन वाला पुलर जो है ना, इसको तो यूज़ मत करना। क्या बोलता है विनय, तेरा क्या आइडिया है ना? नहीं, ये यूज़ नहीं करना है ना। एक्चुअली मैंने बाय किया है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा रहता है, और जो भी इंटरसेप्टर और जीटी के ऑनर्स हैं, अगर उनको बाय करना है तो मैं बता दूंगा कि कैसा पुलर जो है आपको परचेज करना है। अभी आगे जो है मैं आपको डिटेल में जो है बात करूँगा। आप देख सकते हो कितना गंदा ऑयल हो चुका है। सो गाइज, एक छोटा सा जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहीं से हमने जो है ऑयल फिल्टर निकाला था, और इसके नीचे देख सकते हो ये नट जो है, ये ड्रेनेज वाला बोल्ट देख रहे हो ना आप, यहाँ से जो है ना ये ऑयल कूलर के लिए जाता है ऑयल, ठीक है, और हवा से यहाँ से कूल होता है बेसिकली। रेडिएटर नहीं है, ये ऑयल कूलर बोलते हैं इसको। ये टेक्नोलॉजी जो है बजाज लेके आया था फर्स्ट टाइम 220 में, तो उसके बाद सक्सेस हुआ तो सभी ने इसको यूज़ किया, और आज ये रॉयल इनफील्ड में, इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT 650 में यूज़ हो रहा है। गाइज, मैंने जो है ये पार्ट्स जो है रॉयल इनफील्ड से ले लिए थे, आपको डिटेल में बताता हूँ। तो पहले बिने जो है, ये है ऑयल फिल्टर, तो इसको फिट कर लेते हैं। पार्ट नंबर देख सकते हो, इसका प्राइस भी बता देता हूँ आपको मैं। 450 रुपीज़ का ये ऑयल फिल्टर है। इसमें इंजन ऑयल पहले जो है फिल करना पड़ेगा, एक मिनट। देख सकते हो मॉडल का 7100 10W50, जो कि रॉयल इनफील्ड यूज़ करता है, आपको पता रहेगा। वो रहता है 1540, ये हीट के लिए काम करता है, और ये ठंड के लिए काम करता है। 10W का मतलब जो है विंटर्स में यूज़ होता है, और 50 जो है हाईएस्ट जो टेम्परेचर पे इसका यूज़ होता है। आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, सो दैट जो है जो घर पे सर्विस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पहले एक्चुअली मैं घर पे ही सोच रहा था, तो मैंने कहा चल भाई के पास चलते हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो भी बन जाएगा और बातचीत भी हो जाएगी, और जो है आपको वीडियो भी देखने को मिल रहा है। जो है हम एक बोतल जो है अभी डाल दे रहे हैं, और उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। एंड इसकी डेंसिटी देख सकते हो, ऑयल एकदम वैसा है रेड, और आई थिंक इसमें जो है बहुत अच्छी स्मेल भी आती है। तो गाइज, ये जो बिने खोल रहा है आप देख सकते हो, ये है ऑयल एडिटिव। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, आप देख सकते हो एकदम थिक होगा ये। तो बिने ज़रा दिखाना इसको अंदर से। सो इसका देख सकते हो, ये बहुत थिक होता है। ये एडिटिव क्या काम करता है, आपकी ऑयल की डेंसिटी को जो है डाउनग्रेड नहीं होने देता, और बहुत स्मूथ हो जाता है, और जो इंजन में अनवांटेड नॉइस आती है जिनमें टैपिंग वगैरह की, तो उसको बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। आप इसके इंजन की आवाज़ सुनना बाद में, तो हम जो है साथ में डाल दे रहे हैं। ये यूज़ होता है, ये है 50 ml का, तो मेरे पास दो हैं, तो 50 ml मतलब आप जो है 1 से 1.5 या 2 लीटर तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जैसा मेरे बाइक में 3 लीटर इंजन ऑयल डलता है, तो उसमें मैं ये 2 का यूज़ करूँगा। एक्सेस में मत डालना,
एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसको एक्सेस में यूज़ नहीं करना है। तो एक बोतल जो है एक या दो लीटर में यूज़ की जा सकती है। एक बोतल आपने देखा कि हमने पहले यूज़ की और उसके बाद जो है ये एडिटिव का यूज़ किया गया। सो इसको बीच में डालना है, ऐसा नहीं कि पहले डाल दो या बाद में डालो। एक बोतल डाल दी, इसका यूज़ करें, देन जो है नेक्स्ट। सो अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी आगे बहुत कुछ मॉडिफिकेशन इसके ऊपर आने वाले हैं वीडियो, तो वन बाय वन जो है कवर करेंगे और आपको जो है प्रॉपर मैं बताऊंगा उसके बारे में। अच्छा गाइज, एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। क्लच थोड़ा सा हार्ड होता है इसका, पता ही है आपको। उसको जो है स्मूथ करने के लिए इसके अंदर ऑयलिंग करेंगे बेसिकली। और अगर आपको लग रहा है कि आपका क्लच जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है, और अच्छा आपको बता दूँ, ये देखो ये लेवल में ले लेना है इसको। बेसिकली ये बोल्ट का वही काम है। रुको एक मिनट, फोकस ले रहा है। तो ये लेवल में ले लेना है, एक लेवल में, ठीक। हाँ, सो देख सकते हो ये मक्खी टाइप की लास्ट एंड में ये निकालनी है बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ से लूज़ करेंगे, यहाँ से खोल लिया, फोकस नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्या पंगा हो गया। इसके बाद जो है इसको हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ऐसे नहीं। हाँ, इसकी थिकनेस देख सकते हो। तो आपने देखा रहेगा कि मैक्सिमम हिमालयन के लोग या फिर अदर रॉयल इनफील्ड वाले जो हैं, उनकी वायर जो है पतली होती है, ये सबसे मोटी वाली होती है। आप देख सकते हो इसकी थिकनेस देख सकते हो। तो जब भी आप चेंज करें, अगर जैसे लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, कई दो दो वायर्स लगा लेते हैं, तो वो दो लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप शोरूम में जाएं, उनको बोलें कि इंटरसेप्टर की जो है क्लच केबल दे दो, तो आपको ये जो है मोटे वाली दे देंगे, और एक में आपका जो है दो तीन साल जो है अच्छे से निकल जाएंगे। अब इसके अंदर हम ऑयलिंग करेंगे, कैसे करेंगे वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देख सकते हो हम लोग जो है ऐसे ऑयलिंग की जाती है, और इसमें जो हल्का सा पेट्रोल मिक्स किया जा रहा है, सो दैट छोटा निपल है तो उसमें ईजिली जो है पेट्रोल जो है चला जाए। ये है मेथड। अगर आपने अपनी क्लच केबल और क्लच को स्मूथ करना है, सो दिस इज़ द एक्चुअल वे कि आप जो है अपनी क्लच को जो है प्रॉपर स्मूथली बना सकते हो। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आई होप आपके लिए। नाउ अभी जो है एयर फिल्टर चेंज करने का टाइम आ गया। मैं आपको जस्ट एक पार्ट नंबर और इसका प्राइस बता देता हूँ, सो दैट आपके लिए ईजी पड़ेगा। आप देख सकते हो 329 का इसका एयर फिल्टर आता है। सो ये देख सकते हो प्रीवियस इसका कंडीशन ऑलमोस्ट ठीक ही था, बट फिर भी हम जो है एवरी सर्विस में ये चेंज होना ही चाहिए। और न्यू वाले का देख सकते हो, दोनों का देखो आप, उसको अंदर से देख सकते हो कितना ब्राइट है, और इसकी हालत देख सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, तो जैसे कि आपको पता ही है हमारा वेदर कैसा है। फाइनली कंप्लीट हो गया है, और अभी टाइम हो रहा है 12:30 होने को आ रहा है टाइम। आप देख सकते हो कंप्लीट हो गया, प्रॉपर वॉश कर दिया। अभी बाइक जो है रोड हिट करने के लिए प्रॉपर रेडी हो गई है। और जो मैंने टिप्स आपको बताए, ये छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में बाइक का परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के लिए बहुत ही यूजेबल है, तो आप ये ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ इट गाइज, बाकी जो है बाय बाय करते हैं। और विनय, सो थैंक यू विनय, बहुत अच्छे से भाई ने काम किया। और किसी को भी किसी भी बाइक का, इवन सुपर बाइक का भी सर्विस बहुत अच्छे से कर लेता है। इसलिए ये कावासाकी और होंडा में रहा है, तो इसीलिए इसको काफ़ी नॉलेज है इन चीज़ों का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा रहेगा तो इसी नोट पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आउट टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, बाय बाय, पीस गाइज़।